उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित B20 समिट में वित्त मंत्री का फोकस महंगाई पर भी रहा। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मांग कमजोर होती है, इसलिए इस पर काबू जरूरी है। उन्होंने आगाह किया कि महंगाई पर काबू के लिए लंबे समय तक ब्याज की ऊंची दरों को बनाए रखना भी अच्छा नहीं होगा। With using interest rate as the only tool to deal with inflation and not manage the supply side factors will not give a complete solution for inflation. Temporarily it can give, but sooner the supply side issues can creep their ugly heads up. So the task therefore for the central banks, and I know I'm treading on an area which people would be curious to know, did she comment on central bank, but task for central bank therefore will have to keep, particularly in today's context, is to keep in mind growth and growth related priorities, even as equally looking at controlling inflation. वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और बिजनेस लीडर्स के सामने भारत में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए 5 प्राथमिकताओं का जिक्र किया। महंगाई को काबू में रखना, निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश में वृद्धि, सतत विकास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान, क्लाइमेट चेंज फाइनेंस और बिजनेस सप्लाई चेन का विविधीकरण। एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे बड़े प्रतिभा भंडार का घर बनने की राह पर भारत समावेशी वैश्विक विकास में बहुत योगदान देने के लिए तैयार है। भारत सकारात्मक रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में खड़ा है जो मजबूत विकास पंखों का सामना कर रहा है। ग्रोथ विंस, अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करना चाहिए तो इंडिया होएगा हमारा फर्स्ट चॉइस। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार देश में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आयात शुल्क में कटौती की योजना बना रही है, वित्त मंत्री ने साफ किया कि उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। B20 समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेशकों और कॉर्पोरेट लीडर्स के सामने भारत को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों का भी विस्तार से जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि महंगाई पर जल्दी काबू पाया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।